दोस्तों ये बेस्ट टाइम है ऑस्ट्रेलिया का, यूके का, स्पेन का, नेदरलैंड का वीज़ा अप्लाई, फ्रांस का विजिटर वीज़ा अप्लाई करने के लिए। अगर आप जानना चाहते हैं कि आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे। मैं आपका दोस्त सुलेमान टोरंटो कनाडा से, और अगर आप मेरी फ़र्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हैं तो मैं आपको ये बताता चलूँ कि मैं यूट्यूब पे चैनल कैड वीज़ा के नाम से जो है वो चैनल बनाता हूँ, और उसमें ये है कि तकरीबन 300 से ज़्यादा मेरी वीडियोज़ जो हैं वो मौजूद हैं, और तकरीबन 5 लाख से ज़्यादा लोग सोशल मीडिया पर मुझे फॉलो कर रहे हैं। और दोस्तों मैंने काफ़ी कंट्रीज़ के वीज़ाज़ गेट किए हैं, आपका शेंजन, छोटे कंट्रीज़ को तो छोड़ के शेंजन में, शेंजन एरिया की बात करें तो फ्रांस है, यूके है, ठीक है, कनाडा है, और जो है उसके अलावा छोटे बेशुमार कंट्रीज़ हैं। सो दोस्तों आई होप कि ये अगर हम बात करते हैं पिछले 2 साल से, तो कोरोना वायरस की वजह से चीज़ें जो थी वो काफ़ी ज़्यादा स्लो चल रही थी, और अभी जो चीज़ें हैं वो थोड़ी सी इम्प्रूव होना स्टार्ट हुई हैं आफ्टर कोरोना वायरस। और मैं समझता हूँ कि ये बेस्ट टाइम है वीज़ा अप्लाई करने के लिए, क्योंकि अगर आप इस टाइम वीज़ा अप्लाई करते हो तो आपके जो सक्सेस रेशियो है वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएगी। सो दोस्तों अगर आपका कहीं ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है तो सबसे पहले आपके लिए फ्रांस का विजिटर वीज़ा बेस्ट विजिटर वीज़ा है, या उसके अलावा स्पेन की बात करें, नीदरलैंड की बात करें, इन कंट्रीज़ का वीज़ा अप्लाई कर सकते हो। और इन कंट्रीज़ का वीज़ा गेट करने के लिए आपकी एज जो है वो अच्छी होनी चाहिए, साथ में आप अगर सिंगल हैं या मैरिड हैं तो आपके जो चांसेस हैं वो इंक्रीज़ हो जाते हैं। इसी तरीके से अगर हम बात करते हैं आपकी ट्रैवल हिस्ट्री, अगर छोटी मोटी आपकी ट्रैवल हिस्ट्री होती है तो आपके चांसेस इंक्रीज़ हो जाते हैं। अगर हम इनकम की बात करते हैं, ठीक है, तो अगर आपकी अच्छी इनकम होती है तो आपके चांसेस जो है वो और ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाते हैं। और इसी तरह अगर हम बैंक बैलेंस की बात करें, आपकी बैंक बैलेंस अच्छा है तो आप इन कंट्रीज़ के वीज़ाज़ को अप्लाई कर सकते हैं। सो एनी हाउ दोस्तों आई होप कि जो चीज़ें मैंने बताई हैं, अगर आपके पास ये सारी की सारी हैं तो आप इन कंट्रीज़ के वीज़ाज़ को अप्लाई कर सकते हैं। 2 साल कोरोना वायरस की वजह से ये चीज़ें बंद रही हैं, तो अभी जो है वो चीज़ें बहुत खुली हैं, जो रिस्ट्रिक्शंस हैं वो ख़त्म हो चुकी हैं, मास्क ख़त्म हो चुके हैं, जिसकी वजह से चांसेस इंक्रीज़ हो चुके हैं वीज़ाज़ अप्लाई करने के लिए। और ये जो कंट्रीज़ हैं यहाँ पर ज़्यादातर सर्दी होती है, और जून जुलाई बेस्ट टाइम होता है विज़िट करने के लिए। देखें बहुत सारे लोग हैं जो कि इन कंट्रीज़ में जाके सेटल होना चाहते हैं, आप लोग वर्क करना चाहते हैं, स्टडी करना चाहते हैं, वहाँ पे सेटलमेंट करना चाहते हैं, और उसका बेहतरीन तरीका ये होता है कि विज़िट वीज़ा पर जाएं और आप जाके एक्सप्लोर करें और उसके बाद जो है वो कुछ भी डिसाइड करें। सो दोस्तों अगर आप इन कंट्रीज़ के अंदर इंटरेस्टेड हैं, मैं आपकी मदद कर सकता हूं। मेरा 100 से ज़्यादा एप्लीकेशंस का जो है वो एक्सपीरियंस है, वीज़ाज़ का एक्सपीरियंस है, और आप जब भी मुझसे कांटेक्ट करेंगे मैं आपसे 5-6 बातें पूछूंगा, आपकी एज, आपकी आप सिंगल हैं या मैरिड हैं, आपका सोर्स ऑफ इनकम क्या है, आप जॉब करते हैं, बिज़नेस करते हैं, ये आपकी इनकम क्या आ जाती है, आपका बैंक बैलेंस क्या है लास्ट 3 महीने का या 6 महीने का, और किस तरीके से आपने मेंटेन किया हुआ है। आप जिस भी कंट्री में जाना चाहते हैं वहाँ पर रिलेटिव आपके क्या, खास तौर पे हम बात करें ऑस्ट्रेलिया की, यूके की, फ्रांस की, स्पेन की, नेदरलैंड की, ये जो 5 कंट्रीज़ मैंने आपको बताया ये ज़्यादा वीज़ाज जो है वो दे रहे हैं और इन्हीं की हम बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे आपका कोई रिलेटिव है या नहीं है, अगर आपका रिलेटिव होता है ऑफकोर्स वो इन्विटेशन लेटर भी देने में आपको रेडी होता है, तो आपके चांसेस इंक्रीज़ हो जाते हैं। अदरवाइज़ आप नॉर्मल टूरिज़म पे भी जो है वो अप्लाई कर सकते हैं और आपको सक्सेस मिलती है। फ्रेश पासपोर्ट पे मैंने लोगों के वीज़ाज लगे हुए देखे हैं, ठीक है, नॉर्मल टूरिज़म बेस पे लोगों के वीज़ाज लगे हुए देखे हैं। सिर्फ और सिर्फ केस को अच्छे तरीके से प्रेजेंट करने की ज़रूरत होती है, जहाँ पे किसी भी कंसल्टेंट का रोल होता है। सो आई होप के दोस्तों आप मुझसे नीचे ज़रूर कॉन्टैक्ट करेंगे, और जितनी भी मेरे से आपकी हेल्प हो भाई मैं ज़रूर करूँगा। अगर आपका कोई डॉक्यूमेंट वीक हुआ आपको मैं मशवरा दे सकता हूँ आप उसे कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, और इम्प्रूव करने के बाद आप दोबारा अप्लाई करेंगे तो आपको ज़रूर वीज़ा मिल जाएगा। थैंक यू सो मच दोस्तों for watching my video।